मित्रांनो, ई स्टडी सर्कलमध्ये मी आपलं स्वागत करत आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण करंट अफेअर्स क्वेश्चन अँसर्स बघून घेऊ. तर तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून नवीन व्हिडिओ टाकला म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळून जाईल. तर आता आपल्या व्हिडिओकडे आपण वळूया. निम्न में से किस देश को रूस में होने वाले सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? इसका योग्य उत्तर है भारत. प्रश्न क्रमांक 2, राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार 2016 कुल कितनी श्रेणियों में दिया गया है? योग्य उत्तर है 11. दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान. योग्य उत्तर नेपाल. विश्व वेटलैंड्स आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी. योग्य उत्तर 2 फरवरी. कुवैत की सरकार ने कितने मुस्लिम देशों से आने वाले नागरिकों पर बैन लगा दिया है? 3, 4, 5, 6. योग्य उत्तर 5. भारत ने किस देश के साथ क्षेत्र में रेल क्षेत्र में विशेष रूप से सुरक्षा संबंधी विषयों पर तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? योग्य उत्तर इटली. निम्नलिखित में से किन राज्यों को ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राजस्थान और तेलंगाना, ओडिशा और नागालैंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल. सही जवाब राजस्थान और तेलंगाना. नई दिल्ली में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंक का सामना करने के लिए आपसी सहयोग के सवाल पर किस देश के साथ विचार विमर्श किया? चीन, अफगानिस्तान, रशिया, फ्रांस. योग्य उत्तर रूस, रशिया. विश्व शांति संगीत महोत्सव सुरजहा का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा, बिहार, राजस्थान, हरियाणा. योग्य उत्तर गोवा. वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना. 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय करेगा. भारत में डिजिटल जांच और प्रशिक्षण के लिए पहला केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु. डिजिटल जांच और प्रशिक्षण के लिए पहला केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया है. बीपा जियांग पुल विश्व का सबसे लंबा ऊंचा पुल किस देश में स्थित है? चीन, रूस, जापान, भारत. जीपा जियांग पुल चीन में स्थित है, सबसे ऊंचा दुनिया का पुल. भारत इंटरफोर्स फॉर मनी यानी भीम डिजिटल भुगतान करने के लिए बनाई गई एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री. सही जवाब प्रधानमंत्री. प्रधानमंत्री ने भीम ऐप को लॉन्च किया. भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला परमाणु क्षमताओं से संपन्न अंतर महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता कितने किलोमीटर तक है? जो कि भारत की सबसे लंबी दूरी वार करने वाला यह अग्नि 5 मिसाइल की दूरी कितनी पूछी है? तो यह है 5000 किलोमीटर इसकी दूरी. किस बैंक ने व्यापारियों के लिए इजी पे नामक का एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया? ICICI, यस बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक. सही जवाब ICICI बैंक ने लॉन्च किया इजी पे. भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपनी बेंचमार्क लैंडिंग दर को 0.9% से घटा दिया है. इसके बाद नई बेंचमार्क लैंडिंग दर कितनी हो गई है? तो 8% हो गई है. SBI ने उसकी बेंचमार्क लैंडिंग दर को 0.9 से कम कर दिया है. तो अब नई जो लैंडिंग दर होगी वो होगी 8%. पाक अधिकृत कश्मीर से भारत आए हिंदू शरणार्थियों को केंद्र सरकार कितने लाख की मदद देगी? 10 लाख, 5.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख. तो 5.5 लाख की मदद देगी. पेट्रोनेट ने एक LNG आयात परियोजना के लिए 95 करोड़ डॉलर का समझौता किस देश के साथ किया है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान. इसका योग्य उत्तर है बांग्लादेश.
ये करेक्ट ॲन्सर आहे ते बांगलादेश. पेट्रोनेटनं बांगलादेशसोबत करार केलेला आहे 95 करोड डॉलरचा. कौन सी ई कॉमर्स कंपनी को उड़ने वाले वेयरहाउस का पेटेंट मिला है जिसके ज़रिए अब वह ड्रोन से डिलीवरी कराएगी. उड़ने वाले वेयरहाउस का पेटेंट मिला है अमेज़ॉन को. ये एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ होती है. उन्हें पेटेंट मिल गया है, ई कॉमर्स कंपनी को उड़ने वाले वेयरहाउस का पेटेंट मिला है जिसके ज़रिए अब वह ड्रोन से डिलीवरी कराएगी. अमेज़ॉन यूएस बेस्ड कंपनी है. भारत सरकार द्वारा शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है. चार ऑप्शन दिए है, स्वयं, विद्यार्थी, पाठशाला, शिक्षक. तो इसका सही जवाब स्वयं. 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक निजी आय पर टैक्स 10% से घटकर कितना हो गया है. 2.5 से 5 लाख तक जो भी टैक्स था वो घट गया है, और वो घट के आधा हो गया, यानी 10% का 5% हो गया है. तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब ना करना ना भूलिए. सब्सक्राइब करने से आपको नया वीडियो डालते ही और नोटिफिकेशन मिल जाएगा. धन्यवाद.